पहले स्टेट में लेके जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी नर्वस सिस्टम वो बैलेंस आने लगती है, और जैसे ही आपका ब्रेन, हार्ट और नेवल या गट हम अभी के लिए बोल सकते हैं, वो अलाइनमेंट में आता है, तो आपकी फिर बायोकेमिस्ट्री है, इट्स इन अ फुल फंक्शन, इट्स इन अ फुल पैशन। नहीं तो फिर वो कहने के लिए है, प्यार सिर्फ कहने के लिए है, कंपैशन सिर्फ कहने के लिए है, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो हमारे जो एंशंट इंडियन साइंस है, इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंशियल डोमेन, नॉट ऑन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डोमेन। और अगर वो आपको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, तो नादेव के माध्यम से आप वो अनुभव कर पाते हो। मीनिंग व्हाट, आपको दिख जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपके सेल्स क्या आपके साथ कह रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या आपके साथ कह रहा है। सो व्हाट विल हैपन, द मोमेंट द पेशेंट एंटर्स इन योर क्लिनिक, यू विल नो हिज हिस्ट्री, यू विल नो हिज फ्यूचर। क्या ये पॉसिबल है? देन यू डोंट नीड टू प्रिस्क्राइब हिम अ मेडिसिन। क्या पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है पॉसिबल, या ये सब ऊपर से जा रहा है आपको, मैं जो कह रहा हूं कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? फिर आपने सिर्फ वो देखा बंदे को या बंदी को या जो भी पेशेंट है, एंड यू नो ऑल द सॉल्यूशंस फॉर हिम और हर, यू डोंट नीड टू रिलाय ऑन योर टेक्स्टबुक, यू डोंट नीड टू रिलाय ऑन योर एनी इंफॉर्मेशन। आई एम सॉरी ये मैं कह रहा हूँ, बट दैट्स द फैक्ट। यही हमारे वैद्य और ऋषि मुनिस करते थे। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। बिकॉज अगर आप कन्वेंशनल मेथड से अभी जाओगे, जो अभी के डेट में जो सोसाइटी आपको प्रोवाइड करी एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, आप पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप। और मैं खुद देख रहा हूँ, जो MD डॉक्टर्स है, PhD डॉक्टर्स है, वो खुद डिप्रेशन खुद का सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, खुद के घर में उनमें तकलीफ है, खुद के लोग उनके सुसाइड करते हैं डॉक्टर्स, तो वो खुद पे कुछ काम नहीं कर पा रहे। और फिर वो दिन में काउंट करते हैं 50 पेशेंट इंटू सम मल्टीपल फैक्टर। ऐसे ही है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, एक लिमिटेड डोमेन से ही आपको जाना है और आपकी जिंदगी गुजारनी है, या फिर एक अनलिमिटेड डोमेन में आना है। वो अनलिमिटेड डोमेन आता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट से, और मैं बकायदा आपको मैं PPT में दिखाऊंगा रिसर्च, मैं लिटरली दिखाऊंगा। हार्ट मैथ करके एक इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च कर रही है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना दूर होता है, बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल परसेप्शन से ही देखते हैं खुद को या औरों को, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। उसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज माइंड, ओवर एक्टिव माइंड, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार, बहुत सारे डिजायर्स, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे लिमिटेशंस, बॉन्डेजेस इसको हम बोलते हैं। बॉन्डेज मतलब कैसे है, वो गधा है, उसके सामने गाजर रख दिया है, वो कभी खा नहीं पाता, बस वही साइकिल में आप जीते हो। फिर अभी आप लोग हंस रहे हो बिकॉज वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तभी आप जाओगे ना बाहर इसके 4-5 साल के बाद, तभी फिर आपको पता चलेगा कि कैसे है लोग, और कैसे फिर डॉक्टर्स ही अंदर लड़ाई करते हैं। फिर ये इसके पास मत भेजो, इसके पास मत भेजो, अरे ये मेरे से मेडिसिन दो, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस आपके जीवन में एंजॉय नहीं करने देता। फिर क्योंकि आपका मकसद क्या था, लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना, अगर आप दे पा रहे हो वो नहीं, and that is why we are here. So एक sound के माध्यम से एक mind को शांत करने का एक ultimate ऐसा tool हमें gift मिला है। ये जो master है यहाँ पे, he's a नाद योगी, he's a सिद्धा master, तो ये खुद IIT से इन्होंने education किया है, ये Microsoft और Oracle के साथ काम करते हैं, मगर इन्होंने वो सब छोड़ दिया, and now he's a योगी। We are all in a path to bring back the ancient science, which is going to in a way help everything, help everyone. और इसको हम कुछ charge नहीं करते, it's all given to you. So ऐसे होता है। तो अगर आपको वैद्य की तरफ बढ़ना, आपको decide करना पड़ेगा आज के date में, आपको doctor बनना है या वैद्य बनना है। वैद्य means not कि आपको आयुर्वेद सीखना है, वैद्य is a kind of a state of being, a state of mind, जहाँ पे आप बस मजे में हो और आपके सिर्फ प्रेजेंस में आते हैं लोग या पेशेंट्स, एंड यू विथ योर जस्ट मेयर प्रेजेंस यू हील द पीपल। क्या आपको वो ताकत चाहिए, आपको वो पावर चाहिए क्या? तो देखो ना कितना मजा आएगा फिर।
आपको चाहिए हाँ या ना फिर तो इट विल रियली ऐड अ वंडरफुल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन हर लाइफ में तो फिर आप ऐसे ही जीते रहोगे और ये साइकिल चलती रहेगी फिर पुनरभि मरणम पुनरभि जननम तो ये साइकिल्स हमारे पैटर्न्स के हैं वो चलती रहेंगे आपके अपना ब्लिस को एक्सपीरियंस ना कर पाओगे ना जो सैडनेस है बिकॉज सैडनेस में भी एक ब्यूटी है मगर वो भी हम टाल देते हैं हम बहुत चालाक होते हैं हमारा माइंड बहुत चालाक होता है वो ना हमें सैडनेस को एक्सपीरियंस करने देता है ना हमें हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने देता है मगर जैसे उसको आप स्टेबल करते हो तो आप एक परिपूर्णता व्यक्ति जो कंटेंटमेंट है जो इनफाइनाइट विस्डम है उसकी तरफ आप बढ़ने लगते हो